हेलो एवरी वन टूडे वी डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर सेवन विच इज द मैरिट्स एंड डी मेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम और द क्वेश्चन कम इन दैट वी वट आर द इफेक्ट्स ऑफ कास्ट सिस्टम के क्या इफेक्ट्स थे द कास्ट सिस्टम लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सच अ परमानेंट नेचर का एज प्ले इम्पोर्टेंट रोल है फॉर गुड एंड इविन इन दिंदू इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में इसका रोल था कैसे अब देखो अब इसका मेरिट क्या है कास्ट सिस्टम का पहले तो इसने प्रिजर्व करा हिंदू रिलीजन को और कल्चर को जो ग्रेटेस्ट मेरिट कहलाता है ये कास्ट सिस्टम का ये इनेबल करता है हिंदुज्म को जो हिंदुज़म है अपनी वाइटल एलिमेंट्स को और अपनी स्पिरिट को अपने ऑर्थोडॉक्सी को अपने अलोफनेस को कास्ट की प्राइड को सर्व करे एज अ स्ट्रॉन्ग बल्क वर्ग अगेंस्ट फॉरन इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट यूज करते हैं ये देखो ना द हिंदू डू नॉट मिक्सअप विद द फॉरनर सच्चे ग्रीक में नहीं मिक्सअप हुए और डिफरेंट डिफरेंट जो आए जैसे मुस्लिम में मिक्स हुए और इसे ऐसे हिंदुज्म ने अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रखा है इसका पहला ये कारण है द स्पिरिट ऑफ रिमेनिंग अलोफ हैज बिन द मेन सबसे अलग रहना अपने कल्चर को प्रिजर्व करके कर रखना मेन एजेंट है प्रिजर्विंग हिंदू आइडिया ऑफ़ रिलीजन जैसे हिंदू का अपना रिलीजन आइडिया है उनके अपने मॉरल्स हैं अपने कल्चर स्पाइट ऑफ फैक्टर हिंदू कम्युनिटी हैज़ पास थ्रू सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल टर्माइल एंड चेंजेस आते रहे पर हिंदू के जो ऋग वैदिक में जैसे पूजा पाठ होता था लेटर वैदिक में जैसे पूजा पाठ होता था आज हम आज भी इंडियन सोसाइटी में ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड सेंचुरी में हम वही चीज़ अभी तक फॉलो करें तो इससे हमने प्रिजर्व कर रखा है अपने हिंदू कल्चर को और रिलीजन को अब देखो अब ये अब सेकंड पॉइंट है एज अ मींस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हिंदुजम हिंदुजम को एक्सपैंड करने के फैलाने के लिए ये नहीं कि एक दो साल रही ये कास्ट सिस्टम ये एक दो ग्रुप्स में रही उसके बाद ये ख़त्म हो गया उस आज से तीन हजार चार पाँच हजार साल पहले का सिस्टम है जो आज भी फॉलो हो रहा है कैसे अ मीन्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हिंदुजम द कास्ट सिस्टम हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज़म इट वॉज विद द एड ऑफ़ यूनिक ये एक अलग तरीका इंस्टीट्यूशन है दैट रेस आफ्टर रेस ऑफ फॉरन इन्वेडर्स वब्ज़र्व इन टू हिंदू सोसाइटी में ऑब्ज़र्व होते गए जो डिफरेंट फॉरनर्स आए हमारी कंट्री में चाहे वो हमला करने आए इन्वेड करने आए या विजिट करने आए जो फोर, फॉरन फॉरनर्स वो हमारी हिंदू सोसाइटी में अपने आप को ढालते चले गए हिंदू नहीं बदला वो उनमें ढल गए

हिंदुजम की एक्सपेंशन हो रही थी उसका बड़ा बढ़ाव हो रहा था प्रमोटेड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड एफिशियंसी वो कैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे और एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो रहा था द कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर पे था प्रोफेशन के अकॉर्डिंग था कास्ट सिस्टम इससे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी होती प्रोफेशन में एंड फंक्शंस में एफिशेंसी कैसे होती अब जैसे आए सुनार का लड़का सुनार बनेगा तो वो बचपन में ही वो चीज़ें सीख रहा है कि सोने को पिघलाना कैसे ऑर्नामेंट्स बनाना तो इस ये चीज़ें वो सीख रहा है बचपन में ही अब जो पंडित है ब्राह्मण है वो अपने बच्चे को क्या सिखा देगा पहले से वैदिक टेक्स्ट पढ़ाना शुरू कर देगा ना वो अब नॉर्मल है जो जो क्षत्रिय है वो इतनी जल्दी थोड़ी पढ़ेगा वो पर इतनी जल्दी इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेगा ना जैसे कि वो चीज़ बताई गई एफिशियंसी आ रही थी इसे अब इट प्रोमोटेड एफिशियंसी इन प्रोफेशन एंड फंक्शन द सन न्यू फ्रॉम हिस देखो ये वो ही बात बोली गई द सन न्यू जो लड़का था बच्चा था पुत्र था न्यू फ्रॉम इज अर्ली चाइल्ड हुड डैट ही वाज टेक अप द प्रोफेशन ऑफ हिज फादर का ही प्रोफेशन देखना उसने द सिस्टम प्रिजर्व स्किल लेबर होता था बाय वोकेशनल स्किल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये वोकेशनल स्किल दे रहे थे जो ट्रांसमिशन था स्किल का स्किल बढ़ रही थी ना देखो कॉन्टीन्यूटी दी है इसने प्रोफेशन और क्राफ्ट्स को अब देखो सॉल्व द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट अब अनुप्लॉय बेरोजगारी तो रहेगी नहीं उसे पता है पैदा होते साथ ही पता है कि दुकान मेरे फादर की शॉप है मेरे को भी बड़े होकर शॉप पर ही बैठना तो ये तो ना नौकरी लेने के लिए वो भागेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी इस सिस्टम में सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ चाइल्ड वाज टू अडॉप्ट प्रोफेशन ऑफ हिज पेरेंट्स अब जो उसके पेरेंट्स करते उसे वही चीज़ें करनी होती थी देर वॉज नो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो और जो उसका ऑक्यूपेशन वो प्री डिटरमाइन पहले ही पता होता था अभी सुना रहा है इसका लड़का सुनार ही बनेगा बैठेगा दुकान पे बैठेगा ये तो ये चीज़ होती थी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ़ लाइवलीहुड का सेव कर लेता अभी ये नहीं कुछ नौकरी के लिए ढूंढनी पड़े इट प्रोवाइडेड प्रोफेशनल डिसिप्लिन एंड प्रोग्रेस देता छोट कैसे प्रोफेशनल डिसिप्लिन और प्रोग्रेस देता था छोटे होते हुए हो उसे पता होता था कि ऐसे सामान बेचना है इस तरीके से लोगों से डील करना होता है अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो ऐसे देखी जाती है पत्रिका तो इसको एक डिसिप्लिन हो रहा है वो अपने प्रोफेशन में द कास्ट सिस्टम इन द ए टाइम में मिनिम इविल ऑफ कॉम्पिटिशन भी कॉम्पिटिशन ही था ना ट्रेड और इंडस्ट्री में एंड मेंटेन प्रोफेशनल डिसिप्लिन थे जो सिस्टम सर्व द प ऑफ ट्रेड गिल्ड्स एंड ट्रेड यूनियंस लाइक द ओल्ड ट्रेड गिल्स ऑफ सर्व द परस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर द सोसाइटी ऑफ मेम्बर्स के लिए तो ये ये सीखता था और कास्ट सिस्टम का एक और फायदा इससे प्योरिटी ऑफ ब्लड रहता है एक ही कास्ट में हो रहा है ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के लड़के से शादी कर रही है प्योरिटी ऑफ ब्लड है इससे देखो ना द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इंटू कास्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ ब्लड एज इंटर कास्ट मैरिज थी वो अलाउ ही नहीं थी देखो इंटर कास्ट मैरिज नहीं थी हिंदू हिंदू में मैरिज करेगा तो इससे क्या होता था प्योरिटी ऑफ ब्लड रहता था अब उससे क्या है फॉस्टर या स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड भाईचारे की फीलिंग होती थी अब अब जैसे अगर कुछ जरूरत पड़े जब तो हिंदू खड़ा हो जाएगा हिंदू के लिए मुसलमान जैसे कह जाता मुस्लिम मुस्लिम सोसाइटी को स्ट्रिक वो कर रहे थे तो एक वी फीलिंग है ब्रदरहुड की फीलिंग आ रही थी द कास्ट सिस्टम क्रिएटि स्पिरिट ऑफ फेलोशिप एंड सिम्पति अमंग द मेंबर्स ऑफ कास्ट में हो गया था हो होगी थी ये हमारी कास्ट का जैसे में भी होता है तो ये हो गया था द पीपल ऑफ़ कास्ट लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डेवलप फीलिंग ऑफ यूनिट होगी थी सोलिडरिटी होगी चाहे वो डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं कंट्री के पंजाब का पंजाब में भी ब्राह्मण है और साउथ में भी ब्राह्मण ब्राह्मण है पर इनमें क्या था एक यूनिटी हो गई थी कि है तो ब्राह्मण ही हमारी कास्ट का ही है तो ये इसमें ये था इसके मेरिट्स थे ये कास्ट सिस्टम के अब क्या है डी मैरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम की डीमेरिट्स के इसके नुकसान क्या है कास्ट सिस्टम का पहले देखो एक तोड़ने का काम करता है ये डिसइंटीग्रेटिंग फैक्टर है इससे क्या हो रहा है सोसाइटी टूट रही है द कास्ट सिस्टम एज ए सोर्स ऑफ पोलिटिकल वीकनेस है इंडिया की इंटू इतनी सारी तीन था, था, चार हज़ार कास्ट भी ज़्यादा अब इंडिया में प्रिवेल कर रही हैं कास्ट देखो ना बाई डिवाइडिंग द सोसाइटी इंटू थाउजेंड ऑफ कास्ट एंड सबका म्यूचुअली जैलस ही हो जाती है उनमें इट मेड इम्पोस एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जेलस हो जाते हैं ये ऐसे हैं ऊँचा है ये नीच का कंसेप्ट है तो ये क्या है एक देखो ना डाउनफॉल ऑफ द राजपूत एंड द मराठा वर लार्जली ड्यू टू अनहेज डेवलपमेंट ऑफ द कास्ट स्पिरिट ये देखो एग्जाम्पल देते हैं इसका कि कैसे कास्ट स्पिरिट नहीं तो इनका डाउनफॉल हुआ है तो ये तोड़ने का काम करते हैं अब बाद हिंड्रेंस इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री अब कंट्री की डिफेंस हम तो यही कहेंगे कंट्री तो एक ही है ना जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख है सारे हैं तो हम तो ये सोचेंगे ना नहीं ये तो हिंदू है हमारी लड़ाई उनसे होनी है ये इसे हम मुसलमान होंगे मुसलमानों से लड़ाई होगी हम नहीं करेंगे तो ये क्या है कंट्री की डिफेंस के लिए क्या है हिंड्रेंस का काम कर रहे हैं हिंड्रेंस इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री द कास्ट सिस्टम वीक एंड ऑफ द कंट्री द डिफेंस ऑफ द कंट्री वॉज द ड्यूटी होते क्षत्रिय का लोन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अनकर्ड एट द टाइम ऑफ फॉरन इन्वेजन नेवर और वेरी सेल्डम इंडीड कह रहे जो क्षत्रिय का काम है सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए इट वॉज द राजपूत क्लास एंड नॉट द यूनाइटेड इंडिया दैट स्ट्रॉक टू चेक द इन्वेजन ऑफ द मुस्लिम कौन कर द इन डिफरेंस ऑफ द अदर क्लासेज ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी गेव अ सीवियर ब्लो टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री एंड मेड इट ईजी प्रे टू द फॉरन इन्वेडर ऐसे ही अब ये मैं कहूँगी ये तो क्षत्रिय का काम है मेरे को क्या लेना था मैं तो ब्राह्मण हूँ मैं वैश्य हूँ मैं शुद्र हूँ मेरा क्या काम है क्षत्रिय देखेगा डिफेंस ऐसा नहीं जब भी हम आज इंडियन डिफेंस में कह लेते हैं वी ऑल आर ब्रदर्स उनमें कोई डिफ्रेंस नहीं होता है कोई भेदभाव नहीं होता ठीक है और ये कहते हैं दे अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है सब है ये इक्वालिटी जब हम कहते हैं वी ऑल आर इक्वल जब ये कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर देंगे तो इक्वालिटी के अगेंस्ट होगा अब उसके बाद आता है इवन ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी छूआ छूत भी फैल रहा था अगर कास्ट सिस्टम होगा तो ये शुद्ध रह उन्हें वेल्स नहीं यूज करने देना कुड नॉट यूज द सेम वेल्स बाथ टा, इन द सेम टैंक्स में निकाल सकते ड्रू वाटर नहीं निकाल सकते जो अन क्रिएटेड थी आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर दिया था बिटवीन मैन एंड मैन एंड इट प्रोवेड एक श्राप था टू द नेशन बिकॉज दाइटिलिटी ऑफ द नेशनल लाइफ जैसे अब तो ये खत्म हो गया अनटचिलिटी का कंसेप्ट पर कास्ट सिस्टम जो ये था इसने अन को भी राइज करा था ये इसका सबसे बड़ा नुकसान था लोग आपस में ही भेदभाव कर रहे थे और वो क्रिएटेड बाय वन गॉड है फिर भी इतना भेदभाव हो रहा था चेक ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इंडिविजुअल की लिबर्टी पे भी चेक था एक उस पर भी वो था देखो डिग्रेस ऑफ कास्ट सिस्टम चेक द डेवलपमेंट ऑफ इंड अब वो कुछ और करना था हिंदू सोसाइटी सोसाइटी में क्या है बर्थ ऑफ अ पर्सन इन अ फैमिली वाज गिवन इंपोर्टेंट एंड नॉट इज मैरिट अब देखो ये देखा जाता है ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है चाहे उसे तलवार चलानी आती हो चाहे वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हो बच्चा पर उसे देखा गया है तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए ब्राह्मण ही बनेगा तो उसकी मैरिट्स नहीं देखी जा रही थी यहाँ क्या देखा जा रहा था उसकी फैमिली देख बैकग्राउंड देखा जा रहा था कि ये तो यही काम करेगा तो इससे इंडिविजुअल की लिबर्टी थी तो उसकी जो अपनी इच्छाएं थी वो भी मर गई देखो ना एंडल हाउ कैपेबल है बोर्न इन शुद्रा फैमिली जैसे अगर वो शुद्र एक शुद्ध फैमिली में बोर्न हुआ है पर वो एक उसके अंदर राजा जैसी क्वालिटीज है अब ये नहीं कि उसे राजा नहीं बनने देते थे वो कहते थे तो पुत्र है रिमेन अनटचेबल वाइल ऑफ वन बर्थ इन ब्राह्मण फैमिली इवन स्टूपिड अगर ब्राह्मण फैमिली में अगर वो स्टूपिड पैदा हुआ है तो वो रिस्पेक्टेड होता था कि वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ है तो ये से एक इंडिविजुअल का लिबर्टी थी इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स भी थे इसके द कास्ट सिस्टम प्रूव हार्मफुल टू द एफिशिएंसी मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल के लिए कैसे था हिन्ई मे डिफ़िकल्ट टू चेंज हम ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते थे और प्लेस ऑफ रेजिडेंट द इंडिविजुअल वाज फोर्स टू अडॉप्ट ऑक्यूपेशन ऑफ इस फोर फा अपना पूर्व जो का ही लेक्यूपेशन लेना पड़ता था वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर ही नहीं सकता था अगर जैसे अगर उसने गरीबी में मरिया तो वो गरीबी में ही देखा जाता था एज क्या था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो भी नहीं डेवलप हुई थी नॉर द इकोनॉमिक्स रिसोर्स ऑफ द कंट्री कुड भी फुली एक्सप्लोइटेड टू द बेस्ट एडवांटेज द यूज ही नहीं हो पाते थे इकोनॉमिक सोर्सेज से क्योंकि ये पता था इसने यही काम करना उसने वो काम करना तो इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स भी थे इसके और ये क्या था एक इंस्ट्रूमेंट था किसका ऑपरेशन का कैसे इंस्ट्रूमेंट था जो अपर कास्ट थी वो लोअर कास्ट का ऑपरेस कर रही थी उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उन कैसे हो रही थी जो स्वीपर जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं जो स्वीपर और द कॉबलर फॉर एग्जाम्पल वॉज नॉट परमिटेड टू डिवोट हिम से उन्हें एजुकेशनल दे नहीं दे जाती थी साइंटिफिक प्रोफेशन में नहीं आती इवन वेन ही हैड मेड नेचुरल एप्टीट्यूड एंड फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट फॉर इट ये मतलब वो कैपेबल थे पर उनका एक उनको रोका जाता था उन्हें कहता था, तुम्हारा काम यही है तुम यही करो वर्दी और जो कैपेबल पर्सन थे वर प्रिवेंटेड बाय कास्ट रूल कास्ट रूल्स की वजह से उन्हें वो दूसरा प्रोफेशन वो चूज़ ही नहीं कर पाते थे देखो डिसक्रेज क्लोज रिलेशन वो फॉरेन विद फॉरेन कंट्री जैसे जो कास्ट सिस्टम था वो डिसक्रेज करता था हिंदूज़ को तो वो दूसरी कंट्री में जाने से और उन्हें दूसरी कंट्रीज़ के लोगों का रिलेशन बनाने से अदर नेशन्स के साथ दे कुड नॉट गो टू वेखो अरे हिंदू कह रहे हैं वो क्या कह, कह रहे हैं दे कुड नॉट गो टू फॉरन लैंड्स नहीं जाते थे आइदर फॉर ट्रेड और एजुकेशन नहीं जाते थे ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होता था उनका अदर कंट्रीज़ के साथ तो इंडियंस कुड नॉट कीप दैमशन इन्फॉर्मड अबाउट द पोलिटिकल डेवलप

जाना चाहे अगर वो किसी और रिलीजन में पर फिर भी नहीं जा सकता वो हिंदुजम से ही कनेक्ट हो दोज हु ज्वाइन द हिंदुज़म टोल्ड वर नॉट अलाउड अ प्लेस इन द हाइस्ट कास्ट एंड वर्क इन शुद्र अगर जो हिंदूज्म आ भी गए बन भी गया कोई हिंदुज़म दूसरी कास्ट का तो उसे शुद्र ही मानते थे उसे हाई कास्ट में ही देते थे तो इसलिए कोई आना भी नहीं पसंद करता था तो इसलिए क्या हो गया फिर रिटायर करते थे ये ग्रोथ ऑफ हिंदुजम को नहीं बढ़ रही थी देखो चेक ऑन सोशल प्रोग्रेस ऑफ हिंदुइज्म की सोशल प्रोग्रेस पे चेक हो रहा था कैसे उस पर भी विरोधाभास का काम करता था कैसे करता था जो कास्ट सिस्टम था पुट मैनी रिस्ट्रिक्शन कुकिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग डिड नॉट अलाउ टू अडॉप्ट द बेटर मैथड ऑफ लाइफ एंड शट दैम ऑफ टू द फ्री एसोसिएशन ऑफ नॉन हिंदुज़म मतलब कि कह रहे जैसे हमारे में लिखा है ऐसा खाना पकाना जैसे कच्चा और पक्का फूड भी था डिवीज़न जो शूद्र थे वो कच्चा खाना खाते थे और जो अपर थ्री कास्ट थे जो अपर टू हाइएस्ट कास्ट के थे वो पक्का हुआ खाना खाते थे तो कह रहे ये भी एक सोशल प्रोग्रेस था हिंदुज़म की उस पर भी ये एक विरोधावास का काम करता था अगला पॉइंट है कि अगेंस्ट नेशनल स्पिरिट नेशनल स्पिरिट के भी अगेंस्ट था जब नेशनल स्पिरिट में क्या होता सारे एक वी आर ऑल आर इक्वल इक्वालिटी के अगेंस्ट था नेशनल स्पिरिट होते हैं कि सारे मिल बांट के रहें पर ये आपस में इन्होंने बांट रखा था हिंदू है ये मुस्लिम है ये सिख ये अपने ये क्रिश्चियनिटी है तो इससे क्या होता है डिवीजन होती है नेशनल स्पिरिट के अगेंस्ट था अब देखो ये कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल संसारिक भाईचारे के कंसेप्ट को भी ये तोड़ रहा था उसके बिल्कुल अलग था अपो अपोज करता कास्ट सिस्टम हैज़ प्रैक्टिस इन इंडिया इज अगेन द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन मॉडर्न टाइम्स में वैन द गॉस्पल ऑफ ब्रदरहुड फैल रहा था माइंड इज गेनिंग अराउंड ऑल मैन मेड डिस्टिंगशन डिवाइडिंग पीपल को डिवाइड कर रहा था इन टू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड हैव नो प्लेस ठीक है इसमें बांट रहा था तो अब ये हम कंक्लूड कर देते हैं कि इंडियन सोसाइटी में अब ये मैरिट और डी हमने वी हैव कम्पलीट इन मैरिट एंड डीमेरिट एज वेल एज द चैप्टर सेवन एंड इन विच वी स्टडी द ओरिजिन एवोल्यूशन थ्योरीज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड इट्स मैरिट एंड डीमेरिट ये कंक्लूड कर देते हैं हम कि, कि कैसे कास्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडियन सोसाइटी में पॉलिटिक्स में पास्ट में भी करता था टूडे द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया में भी प्ले करता तो ये सब कुछ का सिस्टम रिस्पॉन्सिबल था थैंक यू वेरी मच